सो फॉर टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, जैसे लास्ट वन डिजिट के लिए हमारे पास कुछ सिंपल मेथड था, साइक्लिसिटी से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया वो नॉन जीरो है तो पावर में डाल दो, अगर जीरो है तो साइक्लिसिटी को पावर में डाल दो, बात खत्म. लास्ट डिजिट वॉज लिटल सिंपल, राइट. लास्ट टू डिजिट में भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सेग्रीगेटेड है, मतलब अलग अलग केसेस है. जैसे मान लो ये चार केसेस है आपके पास, सो नॉर्मली आपके जो नंबर्स होंगे वो एंड जीरो से लेके नाइन के किसी भी डिजिट से हो सकता है. अब जीरो से एंड होने वाला नंबर जो है उसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो लास्ट टू डिजिट्स माइट बी जीरो. सो जीरो से कोई लेना देना नहीं है. मतलब अगर मैंने आपको ऐसा पूछ लिया 1040 raised to 48 तो उसके लास्ट दो डिजिट कौन से होंगे, अरे भाई पीछे जीरो है तो 48 तो जीरो आने वाला है ना, तो लास्ट दो डिजिट तो डेफिनेटली जीरो होने वाले. सो अपार्ट फ्रॉम जीरो 1 to 9 वाले सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने होंगे. सर बिल्कुल सही बात है, जिसका लास्ट डिजिट 1 से लेके 9 तक है वो सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने होंगे. तो लास्ट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थोड़ा जम्बल्ड अप है, क्यों वो मैं आपको समझाता हूं, और कैसे सेग्रीगेशन है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं. दीज ऑल आर ऑड नंबर, इवन नंबर्स, आई एम सॉरी, दीज ऑल आर इवन नंबर्स, राइट. तो वो अलग है, बच गए सारे ऑड नंबर्स. कौन से 1 3 5 7 and 9, दीज आर द लेफ्ट नंबर्स, ठीक है, जिसमें 1 का केस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम पहले सीखेंगे. 5 के केस में या 25 आ सकता है या 75 आ सकता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. तो बच गए 3 7 9, ठीक है. सो 1 का केस अगर हमें आ गया तो 3 7 9 भी इजी हो जाएगा, 2 4 6 8 इज वेरी इजी, राइट. और 5 के केस में मैंने जैसे आपको बताया पीछे 25 या 75 आ सकता है. हम इंडिविजुअली भी सारे केसेस देखेंगे. आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये केसेस कैसे अलग किए गए हैं, ठीक है. सो नंबर्स एंडिंग विथ 1, नंबर्स एंडिंग विथ 3 7 9 अदर ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 5, एंड नंबर्स एंडिंग विथ 2 4 6 8 ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 का तो ठीक है, एंड नंबर्स एंडिंग विथ 5 विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इसलिए ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई द फर्स्ट पार्ट, दैट इज नंबर्स एंडिंग विथ 1, ठीक है. अब जैसे मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूं, दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ क्या लिखा है मैंने, व्हाट आई हैव शोन यू हियर. थोड़ा बहुत ट्राई करो, शायद एग्जाम्पल वुड मेक इट क्लियर. देखो जब कोई भी नंबर 1 से एंड होता है, जैसे कि ये, या जैसे कि मैंने इन जनरल लिखा हुआ है ABCD1, ठीक है, डन. तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है. इसका आगे वाला नंबर 1 हो या अदर देन दैट, इसलिए मैंने यहां पे डी लिखा हुआ है, ठीक है, डन, D1, है ना. लास्ट दो डिजिट पे फोकस करेंगे अगर हमें लास्ट दो डिजिट ढूंढने हैं, तो जैसे पिछली बार हम सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करते थे. Now here we are understanding last two digit concept, so we'll focus on last two digits. यहां last two digits है D1 और इसके power का last digit है T, ठीक है. So आप simple समझ लो, अगर पीछे 1 है तो last digit तो 1 ही आने वाला है. हाँ sir, unit digit में हमने देखा था कि 1 का cyclicity 1 है, मतलब अगर last digit 1 है तो पीछे पक्का 1 आएगा. तो ये तो सिंपल हो गया ना, यूनिट डिजिट तो हमें पता चल गया 1 आएगा. तो टेंस डिजिट का अब मामला रहा, टेंस डिजिट क्या आएगा उसके बारे में हम सोचते हैं. तो ये जो डी है ना, टेंस डिजिट आपका, उसको टी से मल्टीप्लाई करो, डी को टी से मल्टीप्लाई करो, उसका जो भी लास्ट डिजिट आता है वो आपका आंसर है. सर थोड़ा समझ नहीं आया, एग्जाम्पल बहुत सिंपली समझा देगा, ध्यान से देखे. बड़ा सा नंबर, कोई लेना देना नहीं है 987 से, ध्यान से देखे, कोई लेना देना नहीं है हमें 987 से. यू सी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे हटा दो सर, ठीक है. नाउ वी फोकस ऑन 61, ठीक है. नाउ 1 का 1 हो गया सर, ठीक है. 6 इंटू लास्ट डिजिट ऑफ योर पावर, 6 इंटू 3 That is
18 रख दिया वैसा का वैसा मैंने. सो अल्टीमेटली व्हाट द लास्ट डिजिट दैट आई हैव और द लास्ट टू डिजिट दैट आई हैव इज 81. यू सी दैट्स योर आंसर. आप 98761 के पावर में 8793 डालेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन लास्ट दो डिजिट आएंगे उसमें 81 एंड आई एम श्योर अबाउट इट. बताओ समझ आया? यस सर ऑलमोस्ट समझ आ गया, लेकिन अगर एक और एग्जांपल हो जाए तो मजा आएगी, है ना? देखते हैं हम लोग, कोई बात नहीं. ठीक है, लेट्स से इफ आई गिव यू एनी नंबर लाइक 74631 raised to 2469, इसका हमें लास्ट दो डिजिट ढूंढना है. आप पहले ट्राई करें, ट्राई बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो. चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा. क्या आया आंसर? मैं दिखाता हूं आपको. सर वन है ना, इसका वन का वन तो पहले डाल ही दो, बात खत्म हो गई. ठीक है, टेंथ डिजिट के लिए फॉरगेट ऑल दिस, फोकस ऑन लास्ट टू डिजिट. उसमें भी वन का वन तो आ गया, फोकस ऑन दिस. थ्री, थ्री को मल्टीप्लाई करो सर नाइन से, पावर के लास्ट डिजिट से. नाइन इंटू थ्री दैट्स 27. सो योर लास्ट टू डिजिट विल बी 71. डिड यू गेट दिस? परफेक्ट. इफ यू गॉट 71 आंसर, दैट्स योर आंसर, ग्रेट. अच्छा मुझे बताओ लास्ट थ्री डिजिट क्या होंगे? सर देख तो रहे ना हम लोग 271 सर, है ना? नहीं, सिर्फ लास्ट दो डिजिट पे फोकस करो. दिस इज नॉट योर लास्ट थर्ड डिजिट, इट माइट बी बट नॉट ऑलवेज, राइट? सो जस्ट फोकस ऑन लास्ट टू डिजिट्स. ठीक है, डन. डोंट फोकस ऑन लास्ट थ्री डिजिट्स, लेट्स फोकस ऑन लास्ट टू डिजिट्स, दैट इज 71. आई होप यू अंडरस्टूड लास्ट टू डिजिट कॉन्सेप्ट. हाँ ना? यस ऑफ कोर्स सर, राइट. एक सवाल दिमाग में आता होगा ना सर, क्यों, वाई, राइट? बीइंग क्यूरियस स्टूडेंट आई यूजुअली यूज टू आस्क दिस टू व्हाइल लुकिंग एट दी शॉर्टकट मेथड्स. ठीक है, वैसे तो ये शॉर्टकट ही है ना बकायदा. ठीक है, मैंने क्या बोला सर, वन का वन डाल दो, चलो वो शॉर्टकट नहीं है, वो तो समझ आ गया, लेकिन ये क्या सर, सिक्स से थ्री से मल्टीप्लाई किया 18 आया आंसर है. क्यों, क्यों वाला सवाल तो दिमाग में आना चाहिए, है ना? वो भी दिखा देता हूं आपको. थोड़ा डिफिकल्ट या ट्रिकी हो सकता है आपके लिए समझना, लेकिन आप समझ बिल्कुल जाएंगे. ठीक है, why this happens? हाँ, तो ये मैंने एरो आपको दिखा दिया है. ठीक है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली. ठीक है, डन. why is the question, why? Because of binomial theorem. What is that sir? I'll show you. मान लो आपका binomial theorem बेसिकली ऐसे है, this is your binomial theorem. ठीक है, तो लेट्स से कोई भी नंबर प्लस वन, वैसे बाइनोमियल थ्योरम इज इन जनरल फॉर्म ऑफ ए एंड बी. ठीक है, मतलब मान लो ए प्लस बी का पावर एन, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, सबसे पहले एन सी जीरो, या इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं एन सी जीरो. फिलहाल आई एम फोकसिंग, सॉरी. ठीक है, सो लेट्स से ए प्लस बी रेस टू एन, सो एन सी जीरो, ए का पावर एन, बी का पावर जीरो. इन दोनों के पावर का टोटल हमेशा एन रहेगा. अब ए को एन डाला है ना, एक कम करो उसका, और यहां भी वन डालो, एन सी वन. एक स्टेप आगे गए, ए का एक पावर कम किया, ए पावर एन माइनस वन, बी का एक पावर इंक्रीज किया, बी पावर वन. अगेन मैं आगे बढ़ता हूं, एन सी टू, ए का एक पावर कम किया एन माइनस टू, बी का एक पावर बढ़ाया बी पावर टू. ऐसे करते जाएंगे, मैं सेकेंड लास्ट स्टेप लिख रहा हूं, बात समझना. या एक काम करता हूं, सेकेंड लास्ट स्टेप बाद में लिखता हूं, पहले लास्ट स्टेप लिख देता हूं. लास्ट स्टेप इजी रहेगा. एन सी जीरो कहां तक जाएंगे, एन सी एन तक, जितना बड़ा पावर है वहां तक जाएंगे. ए का पावर एन था वो हो जाएगा जीरो, बी का पावर जीरो था वो हो जाएगा एन. अगर ये आखिरी स्टेप है, इफ दिस इज लास्ट स्टेप, व्हाट विल बी द जस्ट प्रीवियस स्टेप टू दिस, दैट इज एन सी, इसे एक कम एन माइनस वन, ए के पावर में एक होगा हालांकि बी के पावर में एन माइनस वन होगा. सो दिस इज द प्योर एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल, ये दोनों टर्म्स का एक्सपेंशन है. ये आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं कि
आपको a प्लस बी का स्क्वायर पता है क्या होता है? सर ये तो पता है ना, ऑफकोर्स पता है, क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये और कहीं से नहीं आया है, ये यहीं से प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यही का है। दिखाता हूं मैं कैसे। a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, ध्यान से देखना। एन सी जीरो इज वन इंटू ए रेस टू एन, मतलब a का स्क्वायर इंटू बी रेस टू जीरो, दैट इज वन। ठीक है, देन इफ इट इज नॉट विजिबल देन आई राइट ह्योर, ध्यान से देखें, a प्लस बी का स्क्वायर, राइट? सो एन सी जीरो दैट इज वन इंटू ए रेस टू एन, एन की वैल्यू टू है, ए स्क्वायर इंटू बी रेस टू जीरो दैट इज वन प्लस एन सी वन टू सी वन दैट इज टू इंटू ए रेस टू एन माइनस वन दैट इज वन बी रेस टू वन दैट इज वन प्लस एन सी एन टू सी टू दैट इज वन बी रेस टू टू दैट इज बी स्क्वायर इंटू सी एन ए रेस टू जीरो दैट इज वन। सो आप इसको सॉल्व करके आया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आप क्यूब का भी ढूंढ सकते हो और ऐसे भी आप पावर फोर पावर फाइव भी ढूंढ सकते हो। सर समझ गए हम, बायनोमियल एक्सपेंशन तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ गया। उसी चीज को जब हम वन के साथ यूज करते हैं ना, तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ध्यान से देखें, ठीक है, डन। मान लो एक 41 नाम का नंबर है, तो उसमें मैं उसे क्या लिख सकता हूं, 40 प्लस 1 रेस टू 29। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 40 प्लस 1, इसे ए ले लो इसे बी ले लो, पावर में क्या है 29। नाउ यू एक्सपैंड दिस बायनोमियली, आई विल टेल यू कैसे होगा ये। देखो 29C0, ठीक है, 40 रेस टू 29, दिस इज ए रेस टू एन बी रेस टू जीरो, वन रेस टू जीरो, ठीक है, 29C1, 29C2, 29C3, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब सेकेंड लास्ट स्टेप पे फोकस करना, थर्ड लास्ट स्टेप पे भी फोकस करो, क्या आएगा, 40 पावर 2, 40 के पावर कम होंगे ना, 29, 28, 27, कम होते 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 2, 1, 0। अब ध्यान से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 29C29 इज 1, 40 रेस टू 0 इज 1, 1 रेस टू 29 इज 1, योर लास्ट स्टेप इज 1। इसके पहले वाले स्टेप्स में, बिकॉज यहां पे 40 का एक भी पावर नहीं है, सो यू डोंट हैव 0 इन दिस, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, 40 का एक भी पावर नहीं है ना, या 29C29 इज 1, 1 का पावर 29 इज 1, 40 पावर 0 इज 1, सब 1 हो गए, कोई भी 0 नहीं है इसमें। यहां पे 29C28 इज 29 इंटू 40 रेस टू 1, एक 0 आएगा, दैट इज 40 इंटू 1। समझ गए यहां तक? यस सर, पक्का समझ गए। अच्छा, इसके आगे में 40 का स्क्वायर है, मतलब 2 0 पक्का आएंगे, ठीक है, इसके आगे वाले में 3 0 पक्का आएंगे, डन। इन सबके, इस वाले में 29 0 आएंगे, डन। इन सबका जब मैं एडिशन करूंगा तो यूनिट डिजिट में, यहां तक आई रिपीट, सबका जब एडिशन होगा तो यूनिट डिजिट, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट से एडिशन शुरू करेंगे ना, ब्ला 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 0000 ब्ला 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 0000, यूनिट डिजिट तो सबका ही 0 ही आता होगा। कहां तक 0 आएगा यूनिट डिजिट, कहां तक? यहां तक, लास्ट वाले का ही यूनिट डिजिट 1 आएगा, और इसीलिए इन सबके यूनिट डिजिट में 1 आता है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, यहां भी 2 0 है, मतलब यहां तक यहां तक 2 0 है, लास्ट थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन लेकिन यहां पे सेकेंड लास्ट स्टेप में एक ही 0 आ रहा है, दैट इज ह्योर आई हैव पुट इट, और क्या आ रहा है, 29 इंटू 4, 29 इंटू 40, व्हाट इज 29 इंटू 40, एक तो 0 आ गया सर, 4 9 जार 36, 3 4 2 जार 8, 3 4 2 जार 8 3 1160, व्हाटएवर। सो ये जो पूरा नंबर आएगा वो कुछ ऐसा होगा 1160, हाँ या ना? यस सर, डन, समझ आ गया। नाउ इसका मतलब क्या हुआ,
कि हमारा आंसर, ये तो बाकी सारे तो जीरो ही है, ठीक है, सो हमारा आंसर आया 61, ठीक है, लेकिन ये 6 और आया कैसे 9 × 4 करके, राइट, 9 × 4 का ही वो 6 है ना, 9 × 4 = 36, उसका 6 है ये। अच्छा 9 × 4 का मतलब समझते हो आप, देखो 1 का 1, 29 का 9 और 41 का 4, दिस 9 × 4 इज 36, 3 से लेना देना नहीं है, व्हाट इज यूनिट डिजिट, 6, और वही 6 ये है, सो व्हेन यू ऐड ऑल दिस यू गेट 61, यू गेट 61। इट इज पॉसिबल दैट जो मैंने पहली बार समझाया शायद आपको समझ ना आया, आप उसको रिवाइज करके एक दो बार देखेंगे, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूं। दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दिस इज द शॉर्टकट, व्हाई दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, राइट, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स देयर इज मल्टीपल ऑफ 100 इन ऑल टर्म्स, सो दोस टर्म्स वोंट अफेक्ट द लास्ट टू डिजिट्स, सीधी बात है, जब एडिशन करेंगे तो, ठीक है, और इसीलिए दिस विल बी 29 × 40 × 1, 1 × 1 × 1, दिस इज द वे यू हैव टू डू। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा शॉर्टकट है वो क्यों है, दिस इज ड्यू टू बायनोमियल थ्योरम वेर वन ऑफ द डिजिट्स इज 1 एंड अदर डिजिट्स मस्ट बी हैविंग अ 0। अब 1 है तो डेफिनेटली एक 0 होगा ना, सीधी बात, हम प्लस 1 कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। चलिए, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, लेट्स ट्राई फ्यू मोर एग्जांपल्स, ट्राई बाय योरसेल्फ, इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल, राइट, अभी अभी हमने सीखा है इसमें क्या करना होता है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। सो इफ यू सी वी एक्चुअली डोंट रिक्वायर दिस, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए है लास्ट दो डिजिट का मतलब, 61 raised to 98765, इसके लास्ट दो डिजिट हमें ढूंढने हैं, ठीक है, 1, सो डेफिनेटली 1, 6 5s are 30, सो आंसर वुड बी 01, एज सिंपल एज दैट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ऐसे आया ही होगा, ठीक है, देन चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस, यू टेल मी क्या आएगा इसका आंसर, अगेन स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे, ठीक है, अगेन 98 आई डोंट केयर, 71 raised to 324 के लास्ट दो डिजिट्स 1 7 4s 7 4s are 28, आंसर मस्ट बी 81, आंसर मस्ट बी 81, राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, वेरी सिंपल। सो इसका मतलब तो सर ये हुआ ना कि कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है और उसकी कितनी भी पावर लगा दो हम उसके लास्ट टू डिजिट तो आराम से ढूंढ सकते हैं ना, यही लॉजिक लगा रहे, एग्जैक्टली और इसीलिए दिस इज द एंटायरली डिफरेंट केस। आपने देखा हमने टाइप 1 कौन सा लिया, स्पेशली वही केसेस जिसमें लास्ट डिजिट 1 है, हाउ सिंपल इट बिकम्स जस्ट बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 1, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए, सो लेट्स टेक नेक्स्ट सेकंड केस, दैट इज नंबर्स एंडिंग विद 379, दैट इज ऑल ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 5, 5 का भी बहुत सिंपल है, बट दिस इज टू अंडरस्टैंड दैट बाकी ऑड नंबर्स में क्या होगा, ठीक है, डन। नाउ यहां पे हमने एक मेथड करना है, आप पढ़े मैंने क्या लिखा है, यहां पे आई हैव क्लियरली रिटन इन दिस केस ट्राई टू गेट साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट इन द पावर, सो अल्टीमेटली नंबर विल एंड विद यूनिट डिजिट एज 1 एंड देन अप्लाई रूल 1, क्या सर क्या कह रहे हो, वही, कोई बात नहीं, फेजेस में पढ़ते हैं। इन दिस केस ट्राई टू गेट साइक्लिसिटी इन टू यूनिट डिजिट, साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट इन द पावर्स, यार देखो दो डिजिट का नंबर होगा उसमें यूनिट डिजिट एक होगा, उस यूनिट डिजिट का साइक्लिसिटी आपको पता होगा बिकॉज आपने यूनिट डिजिट पढ़ लिया है, उसके ऊपर साइक्लिसिटी का, उसकी साइक्लिसिटी उसके पावर में लाने का ट्राई करो, पर आएगी क्यों नहीं आएगी, हायर पावर्स दिए होंगे ना, आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप उसकी साइक्लिसिटी उसके पावर्स में लाओगे और उसे कन्वर्ट करोगे
आपका अल्टीमेट नंबर यूनिट डिजिट वन आ जाएगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा होता है, मैथमेटिकल मिरेकल, ऐसा मान लो, ऐसा होता है, ठीक है। और जब से यूनिट डिजिट वन आ गया फिर तो सर हमें पक्का आता है, अभी अभी पढ़ा, यूनिट डिजिट वन आने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं है। सो इफ आई आस्क यू, सो इफ आई आस्क यू दैट मान लो 13 raised to 8 = 24, क्या करेंगे? पहला एग्जाम्पल है, साथ में करते हैं, ध्यान से देखे, ठीक है। 13 raised to 8 = 24 लास्ट दो डिजिट है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इन दिस केस ट्राई टू गेट साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट, 3 का साइक्लिसिटी, यूनिट डिजिट क्या है 3, उसका साइक्लिसिटी क्या है 4, इन द पावर्स 4 उसके पावर में लाने का ट्राई करो, यानी 13 raised to 8 = 24 को मैं और कैसे लिख सकता हूं, मुझे उसके पावर में क्या चाहिए, साइक्लिसिटी, मतलब 13 raised to 4 डाल दिया मैंने पहले, बात समझो, यही करना है। 4 क्यों डाला? बिकॉज 4 इज साइक्लिसिटी ऑफ 3, दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर। नाउ यार 8 = 24 की जगह सीधा तो मैं 4 लिख सकता नहीं हूं, ठीक है, तो मुझे साथ में क्या लिखना पड़ेगा, ऐसा जिसका मल्टीप्लीकेशन 8 = 24, मतलब अल्टीमेटली आप समझो ना, 8 = 24 / 4, 4 2s are 8 0 0 2 4, सो 4 6, तो मतलब 206 लिखना पड़ेगा यहां पे, बिकॉज 206 * 4 = 824, वही होता है ना, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का पावर मल्टीप्लाई होगा यहां पे, 206 * 4 = 824। सो मैंने कुछ नहीं किया, 824 को मैंने मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर से स्प्लिट कर दिया है, 206 * 4 = 824, कुछ नया नहीं लिखा मैंने, लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या हुआ वो दिखाता हूं मैं आपको। आप मुझे बताएं, 13 raised to 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 13 का स्क्वायर raised to 206, हाँ सर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे 13 के स्क्वायर का वैल्यू पता है, या एटलीस्ट उसके लास्ट दो डिजिट पता है, 13 का स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट होता है 69, because 13 square is 169, so 69 का स्क्वायर raised to 206, fair enough। सर अब 69 का स्क्वायर कैसे करें, फिर तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई, नहीं ना, क्यों पता है, क्योंकि मुझे ये पता है दैट, ध्यान से सुनना, अब हमारा वो आगे वाला कंसेप्ट यूज होगा, दैट x का स्क्वायर 50 प्लस x का स्क्वायर, 50 माइनस x का स्क्वायर, 100 माइनस x का स्क्वायर, 100 प्लस x का स्क्वायर, राइट, सारे ब्रैकेट्स है, इन सब के लास्ट दो डिजिट सेम होता है, लास्ट दो डिजिट सेम होता है, 69 कैन बी थॉट विच इज नियर टू 50, इट इज नियर टू 50 रादर देन 100, यस सर, कैन बी थॉट एज 50 प्लस 19 इज 69, यस, सो 19 का स्क्वायर और 50 प्लस 19 का स्क्वायर ये दोनों सेम ही होता है, ये रहा, और उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं, सो 69 कैन बी थॉट ऑफ 50 प्लस 19, पहला एग्जाम्पल है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लगेगा धक्का कि सर ये क्या सोच रहे हो ऐसा हर बार करने का, पहला एग्जाम्पल है ना, इसलिए ऐसे 10 एग्जाम्पल करेंगे ना आपको पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डोंट वरी, बट थिंक पहले थोड़ा अच्छे से देख लो, 69 कैन बी थॉट ऑफ 50 प्लस 19, सो 19 का स्क्वायर जो होगा वही 69 का स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब लास्ट दो डिजिट होंगे, मुझे तो लास्ट दो डिजिट से ही लेना देना है, सर 19 का स्क्वायर इज 361, सो मैंने डाल दिया 61 raised to 206। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, 13 के पावर में जो कि यहां पे है 4 डाला जो कि 3 का साइक्लिसिटी है, अल्टीमेटली वी एंड अप एट यूनिट डिजिट 1, यू सी, वही चीज लिखी है यहां पे, यार अब ये सब कुल मिला के हम कहां पहुंच गए, इसी चीज को मैं ऊपर ले रहा हूं, ध्यान से देखे, 61 raised to 206 यहां पहुंच गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर, 1 का 1 6 6 are 36, आंसर कितना सिंपल हो गया हमारे लिए, ये समझ रहे हो, और ये होता है
नॉट ओनली फॉर थ्री, 3, 7, 9 किसी के भी लिए ये होगा। 3 का साइक्लिसिटी 4 है, पावर में 4 डाल दो। 7 का साइक्लिसिटी 4 है, फिर से पावर में 4 डाल दो। 9 का साइक्लिसिटी 2 है, पावर में 2 डाल दो। जैसे ही आप दो स्टेप नीचे आएंगे, यू विल एंड विथ यूनिट डिजिट एज 1, जैसे यहां पे हुआ। और यूनिट डिजिट 1 आने के बाद रिपीट केस 1, योर आंसर विल बी देयर। चलिए ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड आई एम शोइंग यू द सेम थिंग। सर ये यहां से यहां कैसे आया? 13 के स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट है, 69 के स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट है। सर 69 के स्क्वायर हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, थिंक 69 इज 50 प्लस 19 स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो हाँ, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स तो आने ही चाहिए भाई, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो 6 6 31 एंड आंसर इज 60। Do you understand this? Yes. ठीक है, if not, you can revise the video. You will definitely understand it. And if you have understood partially, so थोड़ा confidence, हम example करेंगे, हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।